टीकमगढ़ पुलिस ने 10 साल से फरार वारंटी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम था। आपको बता दें कि आरोपी पर मारपीट, अवैध वसूली सहित तकरीबन 17 अपराध पंजीबद्ध हैं। पूर्व में आरोपी पुलिस को गच्चा देकर भाग गया था। आरोपी के कब्जे में 315 बोर के देसी कट्टे और कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रमोद कुचबंदिया लंबे समय से अपराधों से लिप्त है। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को घेराबंद कर उसे पकड़ लिया है। इस मामले में खुलासा SDOP और TI वीरेंद्र सिंह पवार ने किया। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। आज का ये सर खुलासा हुआ है सर, क्या पूरा मामला है? देखिए, टीकमगढ़ पुलिस के द्वारा अपराधियों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। इसी तारतम्य में आज कोतवाली टीकमगढ़ पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रमोद कुचबंदिया, जिस पर की पूर्व से 17 अपराध पंजीबद्ध हैं, जो कि इनामी बदमाश है, इसको आज गिरफ्तार किया जा रहा है और इसको ठीक शीघ्र जेल प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, कहाँ से गिरफ्तार किया था इसको? सर, इसको टीकमगढ़ से ही गिरफ्तार किया गया है, टीकमगढ़ थाना क्षेत्र से। तो सर, इसके ऊपर कौन से बड़े बड़े ऐसे मामले? इसका लूट मारपीट जैसे 17 अपराध गंभीर अपराध पंजीबद्ध है, पूर्व से इनामी बदमाश है। क्या सर, इससे कुछ चीज़ बरामद हुई क्या? इससे एक कट्टा, एक कारतूस बरामद हुआ है और इस पूरी कार्रवाई में टीकमगढ़ कोतवाली प्रभारी उप निरीक्षक श्री वीरेंद्र पवार, उनकी टीम में उप निरीक्षक रंजीत सिंह, लखराज सिंह और टीकमगढ़ कोतवाली का स्टाफ, आरक्षक आदर्श, मुकुल, भुवनेश्वर, अनिल, रामजी, महेंद्र, आलोक, सेवक और अतुल की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।